सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं आपको लाई हूँ अपने टेरिस पे, जहाँ पे हमने लगाई हैं खूब सारे फ्लावर्स और सब्जियाँ। तो देख ही रहे होंगे आप किस तरह से हमने अपने गार्डन पे, टेरिस गार्डन पे वेजिटेबल्स और फ्लावर्स लगा के रखे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस छोटे से जंगल से, जो कि हमारा एंट्रेंस पॉइंट है। देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पर है ये मदार, ये ऑरेंज कलर का है, जो हमें साल भर अपना इतना सुंदर मुखड़ा दिखाते रहता है। और यहाँ पर है, यहाँ पे हमने छोटे छोटे क्यारियों पे गवावा के प्लांट्स लगा के रखे हैं दोनों में। और ये है ग्रास, लेमन ग्रास, इसे हम चाय के समय, चाय बनाते समय डालते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इधर ये तो आपने देखा ही होगा और ये आप सब जानते हैं, ये है गिलोई का पौधा। इसे, इसका नार इस तरह से ऊपर गया है। और यहीं पर हमने कुछ छोटे छोटे और फ्लावर्स हैं। और पीछे आप देख रहे होंगे एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, जो कि है बेल का पेड़, जिसकी पत्तियाँ और फल दोनों ही बहुत ही गुणकारी होते हैं। और यहाँ पर है ये सदाबहार के पौधे। यहाँ एक छोटी सी पानी की टंकी, जो कि ख़राब हो चुकी थी, उसे हमने बीच से काट दिया है। इस पर हमने लगाए हैं बहुत सारे फ्लावर्स, ये सदाबहार के पौधे हैं। ये मैंने एक अनानास के प्लांट लगा के रखा है इसमें। और ये है कुंदरू का नार। और इधर पे लगा है दो मिर्ची के पौधे। और इधर पे लगाए हैं कुछ वेजिटेबल्स प्लांट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है प्यारी सी रात रानी, जो कि रात में इतनी अच्छी खुशबू देती है, ये तो आप सबको पता है। और यहाँ पर हमने एक क्यारी पे लगाया है ये पत्ता गोभी के पौधे, फूल गोभी के पौधे हैं। काफ़ी घने हो गए हैं, अब ये बड़े हो रहे हैं। और इसी पे हमने थोड़े से डाल दिए हैं, थोड़ी जगह पे हमने डाल दी है धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती ऐसे हर चीज़ों में यूज़ हो जाती है। और यहाँ पर एक है, ये है गन्ने का पौधा। और यहाँ पर देखिए आप, ये लग गए हैं 4 गन्ने। कुछ जल्दी ही इसे हम तोड़ कर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर है ये फूल गोभी के पौधे, जिसे मैंने कुछ ही दिनों पहले ही लगाया था, और अब ये काफ़ी सुंदर और बड़े हो गए हैं। और इसी पे हमारा ये बड़ा सा पौधा है सदाबहार का। यहाँ बगल हमारे, हमने लगाया है मिंट के प्लांट। मिंट के प्लांट भी घर में होने चाहिए, ये सबको, सब लगभग सभी के घरों में मिल जाते हैं। और इधर पे हैं ये बेल के पौधे। और साथ ही इसमें, इसके आगे है ये समी का पौधा और आंवला का पौधा। ये समी का पौधा तो आप सब जानते हो, समी का पौधा, आंवला के पौधे और ये बेल के पौधे, ये सारे होते हैं पूजा के लिए उपयोगी। और यहाँ पे है तुलसी, जो तीन चारों चीज़ें हमने साथ में यहाँ पे लगा कर रखी है। और ये मालती का पौधा, हालांकि इसका सीज़न अभी चला गया है, ये सूख गए हैं अभी, अभी कुछ दिनों के बाद इसकी कटिंग कर देंगे हम लोग। और इधर पे ये है स्नेक प्लांट। फिर इधर पे है ये नागफनी का पौधा, हालांकि है काफ़ी सुंदर, इसके फूल काफ़ी सुंदर हैं। अब हम इधर से चलते हैं, ये है मोगरा, जो अभी खिला नहीं है, ये अभी गर्मी के मौसम में खिलना शुरू हो जाएगा। इधर पे हमने कुछ लगाए हैं गेंदे के पौधे। और ये है एक और मदार का पौधा, जिसकी ये सिर्फ कलियाँ होती हैं। और इधर एक बड़े से टब, ये गमला हमने ही बनाया है। और इस पे लगाया है हमने ये अनार का पौधा। और इधर पे है, ये तो काफ़ी लोग जानते होंगे ये क्या है, ये है भुई नीम, जो कि शुगर के लिए और काफ़ी चीज़ों के लिए इसे पिया जाता है। इसकी पत्तियों को पीसकर पानी में घोलकर इसे जूस बनाकर पिया जाता है। और इधर आती है हमारी प्यारी सी गुलाब के पौधे,
आप खुद ही देख रहे होंगे कितने बेहतरीन ये खिले हुए हैं। और इधर ये है कागज़ फूल के पौधे, इधर पे है ये तुलसी का एक छोटा सा पौधा, इधर पे है गुलाब, रंग बिरंगे गुलाब। यहाँ एक ये हमने एक क्यारी एक और बना के रखी है सीमेंट की, इस पे भी हमने ये पौधा लगा के रखा है। इसका जो प्लांट का जो पौधा नार है वो नीचे तरफ है, वो मैं आपको बाद में कभी दिखाऊंगी। और इधर पे है ये गेंदा, ये रेड रोज़ यहाँ पर खिला है, ये सेडिंग ऑरेंज सेडिंग में काफ़ी सुंदर है ये, आप देख रहे होंगे। और उसके पीछे दिख रहा है सेवंती, और एक और गेंदे का पौधा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इधर भी है और गेंदे का पौधा, ये एक पौधा है। इस पौधे पे वाइट कलर के फ्लावर लगते हैं और ये काफ़ी सुंदर दिखता है, अब फ़िलहाल अभी इसका सीज़न नहीं है। इधर पे भी है ये एक और पौधा, इसमें काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आए हैं, आप खुद ही इसे देख रहे होंगे। ये है राम तुलसी, इसकी खुशबू काफ़ी काफ़ी अच्छी आती है। और इधर पे ये हमारे रोज़ प्लांट्स, सारे रोज़ प्लांट्स हैं, ये हमारे पापा जी ने लगा के रखा है, ये सारे रोज़ प्लांट्स उन्हें बहुत पसंद है। और इधर पे ये देखिए, आपको एक सुंदर सा पौधा फूल दिखाती हूँ मैं, ये देखिए कितना बड़ा है ये। इसी तरह से और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, मुझे आप लोगों को बताने से ज़्यादा मुझे इसकी खुशबू इतनी अट्रैक्ट कर रही है कि मैं बोलना भूल जा रही हूँ। और यहाँ पर है ये मीठा नीम का पौधा, इसे हमने ये काले एक ब्लैक कलर के गमले में लगा के रखा है, और बीच बीच में हम इसकी कटिंग करते रहते हैं, तो फिर ये नया पत्तियाँ निकालते रहती है। और ये है लता के पौधे, ये जो पौधा है ये हमारी छत दो मंजिला छत है उसके नीचे से लगाई है, ये ऊपर में इसका पौधा आके इतना यहाँ फ्लावरिंग कर रहा है। और इधर पे है सहतूत, सहतूत भी आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, सहतूत ये उसकी फ्लावरिंग हो गई है, अब इस पर फल लगना शुरू हो गया है। यहाँ एक गमले पे हमने लगा दिया है एक टमाटर का पौधा, और इधर इस क्यारी पे हमने लगाया है आलू। और इधर आप देख ही रहे होंगे, यहाँ है आलू है, टमाटर है, मिर्च है, और ये है फूल गोभी के पौधे, और इधर पे है टमाटर, और ये है हमारा प्यारा सा पपीता जिसमें आए हैं इतने सारे बड़े बड़े टमाटर, पपीता सॉरी। और अब हम आपको स्पेशल एक दिखा, यहाँ पर है भुई नीम का पौधा, और ये है तुलसी का पौधा, और ये एक सबसे प्यारा, इसे आप देख रहे हैं इसकी फ्लावरिंग कितनी अच्छी आई, इसके फूल 50 दिन से ऊपर रहते हैं, ये मैंने कहीं देखा था। और देखते हैं कितने दिन रहता है, 20 से 25 दिन तो ऐसे ही हो गए हैं इसे। और ये तो आप जान ही रहे होंगे ये क्या है, ये हमारा एक और पौधा है, फिर ये है कृष्ण चोला, इसे राखी फूल भी कहते हैं, हालांकि इसके भी फूल अभी सब सारे सूख के ख़त्म हो गए हैं, अभी इसमें फल आने शुरू हुए हैं, ये पैशन फ्रूट के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये देखते हैं इसके, मैं आपको सूखी हुई फूल दिखाती हूँ, इधर ये सूखी हुई फूल अगर आप देख रहे होंगे तो सूख गई है, किसी दिन दिखाऊंगी मैं आपको इसका फूल। अब ये हमारे पास एक क्यारी जिसे हमने बनाया है, इस पर हमने मिट्टियाँ डाल दी हैं, और इस पर लगाए हैं हमने खूब सारे अदरक, ये अदरक हमने 3-4 बार हार्वेस्ट भी कर लिया है। यहाँ देखिए कुछ अदरक निकाल के रखे हैं, इसे मैं फिर से यहाँ पे डाल देती हूँ ताकि ये अपने समय में फिर से हो जाए। घर पे ये सारे अदरक हैं, और ये हो गई हमारी लंबी सी नागफनी, देखिए कहाँ तक जा रही है, इसमें भी 3-4 बार फ्लावर आ चुके हैं। और आपको एक बेस्ट चीज़ दिखाती हूँ मैं, वो है ये हमारी हरी भरी टमाटर के पेड़, ये पेड़ हो गए हैं पेड़, इसके टमाटर आप देख रहे हैं इतनी बेहतरीन है ना, ये जो है ये देखिए ये कितने ये देखिए कितने बड़े बड़े टमाटर हैं,
इधर पे देखिए, ये टमाटर देखिए इतने बड़े हैं, ये एक एक टमाटर एक एक पाव के हैं। और यहाँ पर पड़ी है कुछ खाद और आ रही है उधर से गिलोई की नार। तो देखा किस तरह ये हमारा टेरेस गार्डन है, इतना सुंदर कि हम यहाँ पे डेली सुबह शाम आके थोड़ी देर बैठते हैं, हमारे मन को शांति मिलती है। और सबके घर में ऐसा टेरेस गार्डन होता है, सबका अपना स्पेशल होता है, ये भी हमारा भी एक स्पेशल टेरेस गार्डन है। तो थैंक यू देखने के लिए।